Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon. Never miss any new updates. इनेलो नेता अभित चौटाला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नसीहत दी है कि मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी होती है उसे अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। अभी ने कहा कि मुख्यमंत्री जातिवाद का जहर घोलने में लगे हैं। जींद के चुनाव पर बोलते हुए चौटाला ने कहा कि जिस तरह पंचों और सरपंचों को बुलाकर उन्हें धमकाने का काम किया है, इससे पता लगता है कि प्रजातंत्र का गला घोटने का काम भी सीएम द्वारा किया गया है। अभी ने कहा कि जींद चुनाव में खुलकर शराब और पैसा बांटा गया। अभय चौटाला आज पानीपत में इनेलो के शहरी अध्यक्ष नरेश जैन के निधन के बाद शोक प्रकट करने से पहले टोल टैक्स पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभय ने फिर दोहराया कि उनका बसपा के साथ गठबंधन टूटने की कोरी अफवाह है। मुख्यमंत्री जी, मेरे ख्याल लगता है कि उनको अब इस बात से कोई ज्यादा चिंता नहीं रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री की जो जिम्मेवारी है उसको अच्छे ढंग से मुख्यमंत्री को निभाना चाहिए। जो भाषा का प्रयोग वो मंच पे करते हैं, जैसे जातिवाद का जहर वो बोलते हैं, जिस तरह से इस जींद के चुनाव के अंदर उन्होंने जो बात कही है कि प्यार, माप दंड, भेद सब चीज़ें चलती हैं, यहाँ लोगों के वोट के ऊपर किस तरह लोगों के अधिकारों पे डाके डाले गए, किस तरह पंचों सरपंचों को बुला के धमकाया गया, डराया गया, शराब की खुली छूट थी, पैसा लोगों के बीच में बांटा जा रहा था, मतलब चुनाव नहीं, इस तरह से लग रहा था जैसे कोई इस बात का कंपटीशन हो रहा है कि कौन कितने ज़्यादा पैसे इसमें खर्च करेगा, मतलब प्रजातंत्र को किस तरह से रोंदा जा रहा था ये सोच भी नहीं। सर, सुप्रीमो साहब बाहर आ रहे हैं गठबंधन को लेकर, क्या वो भी कुछ करेंगे जो टूटने की कगार पर हो रहा है बसपा के साथ? आपको किसने कह दिया? इस तरह की अफवाह चल रही है सर, रूमर चल रही है, जो भी है किसने कहा ये बताओ। आप अपनी तरफ से बेवजह के सवाल दागते हो, कोई किसी भी एसपी के आदमी ने कहा, किसी हमारे पार्टी के नेता ने कहा? वही दिग्विजय चौटाला ने भी सीएम के बयान प्यार जंग व चुनाव में सब जायज है पर बयान दिया है कि ये सब बीजेपी की थ्योरी को भी सिद्ध कर देता है कि चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए सीएम को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे में लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाना लाजमी है। ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और हम देवन से कह रहे हैं कि जींद चुनाव के लिए तो उन्होंने ये नहीं, चुनाव के लिए और बीजेपी की थ्योरी को भी क्लियर कर देता है भाई, हम चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट बाय अ स्टेट हेड, और जो इतनी रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो वही अगर ऐसी बात करेगा तो लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से, प्रजातंत्र से, भारतीय जनता पार्टी से और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से उठ जाए। एक जैसे जींद के चुनाव के अंदर हुआ है कि बीजेपी ने एक नया काम शुरू किया कि दूसरों के जो विनिंग कैंडिडेट है उन पर कब्जा कर लिया जाए, तो आप अपने कैंडिडेट कैसे बचाएंगे? ये आप उन्हें पूछिए जिनके 3400 वोट आए, हमारी चिंता हम अपने आप करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए क्योंकि उनके बहुत से लोग संपर्क में हैं बीजेपी का, मुझे लगता है वही बात मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। अजय चौटाला पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछे सवाल पर जेजेपी लीडर दिग्विजय चौटाला बोले कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे बेचारे मानसिक तौर पर हारे हुए लोग हैं। जब सब कुछ जाता हुआ दिखता है तो एक कहावत है कि हम तो डूबे ही सनम, क्यों ना तुम्हें भी ले डूबे, लेकिन वो यह नहीं जानते कि हमारी पॉलिटिकल एथिकल वैल्यू ऊंचे स्तर की रही है, उनकी न्यूनतम स्तर की रही है। मेरे दादा परदादा ने पार्टी को 40 साल से जिस राजनीतिक विरासत को मेरे पिता ने संभाला, हमें उस विचारधारा पर काम करने का अवसर मिला। हमने अपनी सोच के जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ऐसे लोगों की सोच से कई गुना ऊंचे हैं। इनकी गीदड़ भपकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिनके पास सबूत होता है वो सबूत देते हैं, बातें कम करते हैं। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो बेचारे मानसिक तौर पर हारे हुए लोग, जब
सब कुछ जाता हुआ दिखता है। तो एक कहावत है कि हम तो डूबे ही सनम, क्यों ना तुम्हें भी ले डूबे। मगर वो ये नहीं जानते कि हमारे पॉलिटिकल एथिकल वैल्यूज जो है बहुत ऊंचे कद की रही हैं, उनकी वैल्यूज बहुत न्यूनतम स्तर की रही हैं। हमने 40 साल मेरे पिता ने, चाहे मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, जिस राजनीतिक विरासत को मेरे पिता ने संभाला और आज हमें उस पार्टी में काम करने का, उनकी विचारधारा को आगे उस विचारधारा पर चलकर काम करने का अवसर मिला, हमने जो अपनी सोच के स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो ऐसे लोगों से कई लाख गुना ऊंचे हैं। इनको ये नहीं पता कि इनकी ये गिद्दड़ भक्की से ना तो हमारे पर फर्क पड़ेगा, और जिनके पास कोई सबूत होते हैं वो सबूत लिया करते हैं, बातें नहीं किया करते। एक अपने सीएम साहब करने की आदत लालजी छोड़नी होगी। गेट सीरियस इन लाइफ। अभय चौटाला पर तंज कसते हुए दिग्विजय ने अभय से कहा कि अगर आपके दिल में अपने भाई के प्रति जहर है तो उसे आप पारिवारिक तौर पर भी निकाल सकते हैं। जेजेपी व आम आदमी पार्टी गठबंधन पर पूछे सवाल पर भी दिग्विजय बोले, उन्होंने कहा कि जो मैटर करता है चर्चा भी उसी की होती है। एक रामविलास शर्मा जी ने कल कहा है कि जिस प्रकार से बसपा और इनेलो का गठबंधन टूटा है, आपके गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कुछ एक उंगली सी उठाई है कि वो कुछ ऐसा कहा कि जिस दिए में तेल होंगे वही दिया जलेगा, कुछ ऐसा। एक्चुअली जो मैटर करता है उसी के बारे में चर्चा होती है। आज इतनी चर्चा हो रही है, आज जेजेपी हो रही है, कोई ना कोई तो कारण है ना, नहीं तो आप भी हमारे से ये सवाल क्यों पूछते। वॉइस ऑफ पानीपत की